अस्सलाम वालेकुम गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर सकते हैं। जैसा कि आप न्यू मोबाइल फोन लेते हैं, एक से छह माह के अंदर उसकी जो चार्जिंग होती है वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही जबरदस्त किस्म की मोबाइल की बैटरी टाइमिंग होती है। लेकिन जैसा जैसा टाइम गुजरता जाता है, छह माह के बाद उसकी टाइमिंग खराब हो जाती है और वो फास्ट चार्जिंग करना छोड़ जाता है। अगर फास्ट चार्जिंग करेगा भी, एक दो घंटे में आपके मोबाइल की बैटरी को फुल कर देगा, लेकिन जैसे ही आप 30 मिनट तक मोबाइल को यूज करेंगे तो आपकी जो बैटरी होगी वो खत्म हो जाएगी। इस दौरान हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की चार्जिंग फास्ट नहीं होती और उसकी टाइमिंग भी खराब हो जाती है। लेकिन आज मैं गारंटी देकर कहता हूं कि आज जो मैं आपको टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, अगर आप ये टिप्स आजमाएंगे, ये टिप यूज करेंगे तो इसका फायदा ये होगा कि आपका मोबाइल की टाइमिंग बिल्कुल जबरदस्त हो जाएगी और इसकी चार्जिंग भी बहुत ही जल्दी हो जाएगी। सो गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं परफेक्ट इजी चैनल। हर रोज न्यू टेक्निकल वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर रोज आप नई वीडियो देख सकें। सो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 7 ट्रिक्स के बारे में। अगर आप ये ट्रिक्स आजमाएंगे तो लाजमी की बात है कि आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी बहुत ही फास्ट चार्ज होगी। और कमेंट्स में मुझे आके लाजमी बताना है कि वाकई इस ट्रिक ने काम किया है या नहीं किया, क्योंकि मैं खुद ये आजमा चुका हूँ। सबसे फर्स्ट पे जो हमारे पास ट्रिक आता है वो है मोबाइल कवर का। आप अपने मोबाइल को सेफ्टी के लिए बैक मोबाइल कवर लगा के रखते हैं, लेकिन अगर आप मोबाइल चार्ज पर लगाते हैं तो इसको पहले रिमूव करें, उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज लगाएं, क्योंकि अगर आपका मोबाइल फ़ोन कवर में होगा तो बहुत जल्दी हीट अप हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन बहुत स्लो चार्ज होगा। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो ट्रिक आता है वो है डेटा ऑफ का। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में डेटा ऑन है, इंटरनेट ऑन है, तो आप उसको सबसे पहले ऑफ कर दें। मेरा वाईफाई ऑन है, इसको अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है इसको आपने ऑफ कर देना है। और अगर आप एरोप्लेन मोड लगाना चाहते हैं तो इससे बड़ी और बेहतर बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एरोप्लेन मोड लगा देंगे तो जितनी भी सर्विस आपके मोबाइल में आ रही होंगी वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। सो गाइस, तीसरे नंबर पर हमारे पास जो ट्रिक आता है वो है वॉलपेपर का। वॉलपेपर आप देख सकते हैं कि मेरे पास कलरफुल लगा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर भी तरह तरह के वॉलपेपर लगे होंगे, लेकिन आपने करना कुछ यूँ है कि इस वॉलपेपर को आपने कर देना है ब्लैक। ब्लैक वॉलपेपर आप लगाएंगे, यहाँ से मैं चूज़ कर देता हूँ ब्लैक। ब्लैक वॉलपेपर आप लगाएंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी ना ही जल्दी ख़त्म होगी और बहुत ही जल्दी ये चार्ज भी कर देगा आपके मोबाइल फ़ोन को। सो गाइस, चौथे नंबर पर हमारे पास जो ट्रिक आता है वो है ब्राइटनेस लो का। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने ब्राइटनेस को हाफ पे रखा होता है या फुल पे रखा होता है। इसका नुकसान ये होता है कि बहुत ही जल्दी ये मोबाइल फ़ोन की बैटरी को ख़त्म कर देता है। अगर आप चार्ज भी लगाएं तो ये चार्ज बहुत ही स्लो करेगा आपके मोबाइल फ़ोन को, तो इसको आपने कर देना है बिल्कुल लो। यहाँ पर लो पर आप रख सकते हैं, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज हो जाएगा। सो गाइस, पांचवें नंबर पर हमारे पास जो आता है वो है लॉक मोबाइल। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं, जैसे ही आप चार्ज पर लगाते हैं तो मोबाइल को फौरन आपने लॉक कर देना है। मैंने अक्सर देखा है दोस्तों को, वो साथ साथ मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं और साथ साथ उसको चार्जिंग पर लगाया होता है, जो कि बहुत ही डेंजरस है यूज़ करने वाले के लिए भी, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सी वीडियोज़ यूट्यूब पर भी आई हुई हैं कि फ़ोन ब्लास्ट हो गया, फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट होगी। वो जस्ट इसी तरह से होती है कि जब आप मोबाइल फ़ोन को चार्ज लगा कर यूज़ करते हैं तो बहुत ही डेंजरस होता है और आपकी मोबाइल फ़ोन की बैटरी भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगी इस तरह से। सो गाइस, छठे नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है, जो ट्रिक आता है वो है चार्जर एम्पेयर का। अक्सर आपने देखा होगा कि आपको मोबाइल के साथ एक अडाप्टर चार्जर मिलता है, उस पर लिखा होता है कि ये कितने एम्पेयर का है, क्योंकि वही आपके मोबाइल के लिए बेस्ट चार्जर होता है जो ओरिजिनल चार्जर आपके मोबाइल के साथ आता है। लेकिन अगर आप सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन लेते हैं तो आपको उसका अंदाज़ा नहीं होता कि इसको कितना एम्पेयर अडाप्टर चाहिए, कितना एम्पेयर चार्जर चाहिए, तो आप करीबी शॉप पर जाकर किसी से भी पूछ सकते हैं कि
इसको कौन सा अंपायर ड्राफ्टर चाहिए, चार्जर चाहिए, तो वो आपको रिकमेंड कर देगा कि इसके लिए ये सूटेबल है। तो ये आप करीबी शॉप से भी जाकर पता कर सकते हैं। अगर आपको खुद पता है तो खुद भी आप इस चीज़ को लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ और चार्जिंग में। सो गाइस, सातवें नंबर पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो एक ट्रिक है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल की सेटिंग्स में आपने जाना है। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपने डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास डेवलपर ऑप्शन नहीं है तो आपने अबाउट मोबाइल पर जाना है। अबाउट फ़ोन पर जाने के बाद बिल्ड ऑप्शन पर आपने 7 बार टैप करना है। जैसे ये 7 बार आप टैप करेंगे तो उसके बाद बैक आएंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। डेवलपर ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपने स्क्रू डाउन कर देना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, आपने इस पर प्रेस करना है। इस पर प्रेस करने के बाद यहाँ पर इसको कर देना है नो बैकग्राउंड प्रोसेसेस। इसका मतलब भी ये होगा कि जितनी भी आपकी मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशन रनिंग पर होंगी वो सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी और आप बहुत ही आसानी के साथ अपने मोबाइल फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकेंगे इसकी मदद से। फास्ट चार्ज करने के बाद आप बेशक यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट पर आप प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब आप चार्ज पर लगाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन को तो इस पर आपने प्रेस कर देना है नो बैकग्राउंड प्रोसेसर। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल के आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। इसका फायदा ये होगा कि जितनी भी मेरी न्यू वीडियोस अबाउट मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स और यूट्यूब के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज आएंगी वो सबसे पहले आप देख सकेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो गाइस, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।